Hi students welcome to the channel today in this video we are going to discuss types of ip addresses so ip addresses are mainly of four types okay so first type is public second is private third point is static and last point is dynamic ठीक है सो ये जो टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट है बट इनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ओके सो पब्लिक आई पी एड्रेसेस क्या होते हैं अ पब्लिक आई पी एड्रेस इज एन एड्रेस वेयर वन प्राइमरी एड्रेस इज एसोसिएटेड विद योर होल नेटवर्क ठीक है इसमें क्या होता है वन प्राइमरी नेटवर्क और वन प्राइमरी एड्रेस इज एसोसिएटेड विद इज एसोसिएटेड विद योर होल नेटवर्क यूर होल नेटवर्क राइट इन दिस टाइप ऑफ आई पी एड्रेस ईच ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस हैज़ द सेम आई पी एड्रेस ठीक है जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी सबका जो एड्रेस होगा वो सेम ही रहेगा ठीक है ये होता है पब्लिक ठीक है पब्लिक सिंपल सा अगर हम लोग देखें तो पब्लिक का मतलब होता है जो सबके लिए चीज़ कॉमन रहेगी ठीक है so, सो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि नेटवर्क ऐसा है जहाँ पे जितनी मर्जी डिवाइसेस कनेक्टेड हों सबका आईपी एड्रेस जो है वो सेम ही रहेगा ठीक है दिस टाइप ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस इज प्रोवाइडेड टू योर राउटर बाय योर आईएसपी ओके इट इज़ प्रोवाइडेड बाय आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आई पी एड्रेसेस प्रोवाइड करवाते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की ठीक है नेक्स्ट इज प्राइवेट आई पी एड्रेस ठीक है ये फर्स्ट था नेक्स्ट इज प्राइवेट आई पी एड्रेस इट इज अक आई पी नंबर असाइंड टू एवरी डिवाइस ठीक है इट इज असाइंड टू एवरी डिवाइस

ओके okay? इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी उन सभी डिवाइसेस का क्या होगा उन सभी डिवाइसेस को यूनिक आईपी एड्रेस एलोकेट किया जाएगा ठीक है लेकिन इस नेटवर्क के बाहर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी ठीक है उस नेटवर्क के थ्रू इन सभी का जो आईपी एड्रेस रहेगा वो कॉमन रहेगा ठीक है सो ये है पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क राइट नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक आई पी एड्रेस डायनेमिक का मतलब क्या होता है चेंजेबल स्टैटिक का मतलब होता है फिक्सड ओके सो डायनेमिक आई पी एड्रेस ऑलवेज कीप चेंजिंग इट इज़ टेम्परेरी ठीक है डायनेमिक जो होते हैं वो क्या होते हैं टेम्परेरी होते हैं ओके एंड दे आर एलोकेटेड टू अ डिवाइस एवरी टाइम इट कनेक्ट टू द वेब यानि कि एक कंप्यूटर सिस्टम है ये इंटरनेट के साथ जितनी बार भी कनेक्ट होगा उतनी बार क्या होगा इसका नया आईपी एड्रेस इसे अलॉट किया जाएगा ओके

के द्वारा ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं ठीक है हर बार क्या मिलता है यूनिक नंबर उन डिवाइसेस को मिलता है ओके इट इज़ एक्टिव फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर दैट इट विल एक्सपायर एंड फिर ये नंबर क्या होता है किसी और डिवाइस को मिल जाता है राइट लास्ट पॉइंट इज स्टैटिक आई पी एड्रेस सो इन केस ऑफ स्टैटिक आई पी एड्रेस ये क्या करता है इट कैन नॉट बी चेंजेबल ठीक है स्टैटिक का मतलब ही होता है फिक्स है ये ओके अ डायनामिक आई पी एड्रेस विल बी असाइंड बाय अ डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल ओके जो ये टेम्प्रेरी एड्रेस होता है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय डी एच सी पी यानी कि डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल सर्वर ओके विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड स्टेटिक आई पी एड्रेस नेवर चेंजिस बट इट कैन बी ऑल्टर्ड एज पार्ट ऑफ रूटीन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं वो स्टैटिक टाइप का जो एड्रेस होता है उसे ऑल्टर कर सकते हैं ठीक है अब देख लो यहाँ पे क्या है टेम्परेरी का मतलब है कि वो थोड़ी देर के लिए ही एक डिवाइस को मिलेगा ठीक है और स्टैटिक का मतलब है कि मान लीजिए ये वाला एड्रेस जो है ये एड्रेस एक बार अलॉट हो चुका है किसी एक डिवाइस को तो अब हम इसे पूरा चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन इसे ऑल्टर कर सकते हैं ठीक है यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पे पहले वन था अब हमने इसे फोर कर दिया था राइट right? सो so, यहाँ पे वन से फ़ोर करने में क्या डिफरेंट क्या डिफरेंस आया हमारे नेटवर्क में क्या चीज़ें चेंज हुई वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है थीके, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो है हर एक पार्ट जो है इसका ये यूनिक वर्क करता है ठीक है हर एक इसका कुछ अलग अलग सा काम होता है सो तो अगर किसी भी एक पॉइंट में हम लोग चेंज कर देते हैं यानी कि टू से अगर मैं इसे ट्वेंटी वन कर देती हूँ तो भी हमारे नेटवर्क में इसकी जो अथॉरिटीज इसे प्रोवाइड करवाई होती हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं ओके